नमस्कार दोस्तों, इसी के व्लॉग में आपका फिर स्वागत है। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के टोंक जिले में स्थित डिगी कल्याण जी। जी हाँ, इनके मंदिर में आस्था का सैलाब देखते ही बनता है। हर साल यहाँ लाखों भक्त यहाँ कई किलोमीटर तक पैदल सफ़र कर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कई बार भक्त यहाँ पर कनक दंडवत करते हुए या फिर नंगे पाँव पहुँचते हैं। तो आज हम आपको डिगी कल्याण जी लेकर आए हैं दोस्तों। डिगी कल्याण जी की जो दूरी है वह जयपुर से 70 किलोमीटर दूर है। मंदिर के दर्शन का समय है सुबह 4:30 बजे से रात के 9 बजे तक, और दिन में भोग के समय कुछ देर के लिए मंदिर बंद हो जाता है। डिगी कल्याण जी मंदिर का निर्माण पुनर्निर्माण मेवाड़ शासक के समय सन 1527 में हुआ था। यह मंदिर हर साल लक्खी मेले का आयोजन करता है, जिसमें जयपुर के अलावा पास के कई शहरों से लोग पैदल यात्रा करके इस मंदिर में दर्शन को पहुंचते हैं। इस स्थान को डिगीपुरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस मंदिर में रोजाना भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है, लेकिन प्रत्येक माह पूर्णिमा के समय यहाँ एक मेला लगता है जिसमें काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप श्री कल्याण जी मंदिर के बारे में अन्य जानकारी के बारे में दर्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। श्री कल्याण जी के मंदिर की महिमा जितनी निराली है उतना ही रोचक इसका इतिहास भी है। विष्णु भगवान के हम अब दर्शन करते हैं, तो आइए दर्शन कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। यह मंदिर 5600 वर्ष पूर्व पुराना माना जाता है। डिग्गी कल्याण जी मंदिर, भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी यहाँ स्थित हैं। यह मंदिर 16 स्तंभ पर स्थित है तथा प्राचीन कला को यह दर्शाता है। साथ ही यहाँ चांदी के सुंदर से गरुड़ जी भगवान बने हुए हैं सामने देखिए, तथा दरवाजों पर भी चांदी की भव्य नक्काशी की गई है। यह मंदिर प्राचीन कला संस्कृति को अच्छी तरीके से भलीभांति दर्शाता है। देखिए यहाँ के जो दरवाजे हैं उन पर भी चांदी का सराहनीय कार्य किया गया है। विष्णु भगवान की यहाँ प्रतिमा है तथा गरुड़ की भी यहाँ पूजा की जाती है। आप नमन कीजिए। जहाँ विष्णु भगवान होंगे वहाँ गरुड़ देवता तो जरूर होंगे। इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के तत्कालीन राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में सन 1584 सन 1527 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तेवाड़ी ब्राह्मण द्वारा करवाया बताया जाता है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने अपने लिए अलग से जगह मांगी थी, तो ये माता लक्ष्मी जी यहाँ स्थापित हैं। देखिए इसी मंदिर में अलग की तरफ लक्ष्मी जी भी विराजमान हैं, तो माता लक्ष्मी जी के भी आप दर्शन कीजिए। जय हो माँ लक्ष्मी। साथ ही यहाँ अन्य इस तरह शिवालय हैं तथा गणेश जी, हनुमान जी, सभी भगवान की यहाँ मूर्तियाँ हैं। तो ये मंदिर देखिए कितना भव्य और शोभादायक है। दोस्तों यहाँ पीछे की तरफ एक विजय सागर बांध भी स्थित है। तो अब मैं आपको यहाँ पर प्रचलित एक पौराणिक कथा बताऊंगी डिग्गी कल्याण जी की। स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में उर्वशी नामक अप्सरा थी। वह इंद्र के मनोरंजन के लिए नृत्य कर रही थी। इसी दौरान उसे वहां हंसी आ गई। इस हरकत से इंद्र को अच्छा नहीं लगा और उसका स्वर्ग से निष्कासन कर दिया। उसके बाद 12 वर्ष तक वह मृत्यु लोक में आई और उसने संतों की सेवा की, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर वापस स्वर्ग में जाने की तैयारी करने लगी कि इसी दौरान राजा डिगवा ने उर्वशी को उपवन में अठखेलिया करते हुए देखा। वे उनके रूप पर मोहित हो गए। राजा ने उससे अपनी रानी बनने का प्रस्ताव रखा और कहा कि वे उसके महल में ठाठ से रखेंगे, किंतु उर्वशी ने विनय पूर्वक राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बताया कि वह स्वर्ग के राजा की इंद्र की अप्सरा है। फिर तो क्या था, डिगवा ने इंद्र को युद्ध की चुनौती दे दी। वह युद्ध प्रारंभ हो गया। हार जीत किसी की नहीं हो रही थी। कपट से राजा इंद्र डिगवा से जीत गए। उर्वशी ने राजा को
कुष्ठ हो जाने का श्राप दिया। राजा डिगवा श्री कल्याण जी के क्षेत्र में भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने आकाशवाणी की कि जाओ नदी किनारे, तुम्हें भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी। राजा का रथ उस युद्ध स्थल पर जाकर रुक गया जहाँ संग्राम हुआ था। इसी स्थान पर राजा डिगवा ने श्री कल्याण राय जी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर विधिवत प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। यही स्थान आज का डिग्गीपुरी है तथा वह पावन प्रतिमा कल्याण जी के नाम से आज श्रद्धा व केंद्र की तथा तीर्थ स्थल की स्थली बनी हुई है। तो यह यहाँ डिगी कल्याण जी की महिमा है। दोस्तों यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पीछे की तरफ विजय तालाब है, विजय बांध, विजय सागर तालाब। जी हाँ, देखिए इसका ये गोविंद घाट है, विजय सागर घाट। दोस्तों ये बहुत बड़ा घाट है, ये प्रमाणित नहीं है कि ये कब और किसने कहाँ बनवाया, किंतु ये बहुत ही गहरा है। यहाँ पर नौका विहार भी होती है, देखिएगा। आपको मैं बता दूँ कि श्रद्धालुओं की मान्यता रही है कि विजय सागर तालाब में स्नान करने मात्र से चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि दूर दराज से आने वाले भक्त विजय सागर तालाब के पानी को बोतलों या अन्य बर्तनों में भरकर ले जाते हैं। मान्यता यह है कि भगवान कल्याण जी महाराज स्वयं विजय सागर में प्रतिवर्ष जल जूझनी एकादशी को नाव में विराजित होकर नौका विहार करते हैं, इसलिए विजय सागर के जल का महत्व ज्यादा बताया गया है। इस तालाब के सामने वीर तेजाजी महाराज का भी मंदिर है, देखिए। ये स्थान देखने पर अति प्राचीन दिखाई देता है तथा यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से तालाब है दोनों तरफ। इस तालाब का पानी बहुत दूर तक फैला हुआ है। अब हम दर्शन करके वापस घर लौट रहे हैं, तो आप हमें बताएं कमेंट में कि आपको डिगी कल्याण जी के दर्शन कैसे कर लगे। भगवान आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करें। उसके साथ मैं आपके लिए आगे भी नए धार्मिक वीडियो लाती रहूं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।